नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सुदामा पांडे धूमिल का जीवन व साहित्यिक परिचय। तो आइए जानते हैं। देखिए, धूमिल के जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 9 नवंबर 1936 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? वाराणसी के पास खेवली नामक गांव में हुआ। इनका मूल नाम सुदामा पांडे था और धूमिल नाम का प्रयोग ये किस लिए करते थे? कविताएँ लिखने के लिए करते थे। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 10 फरवरी 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और किस कारण? ब्रेन ट्यूमर से उनका देहांत हो गया था। और कितनी उम्र थी? लगभग 38 साल की आयु में ही इनका देहांत हो गया था। अब अगर इनके कार्यक्षेत्र की बात करें तो 1958 ईस्वी में आईटीआई वाराणसी से इन्होंने विद्युत डिप्लोमा किया था और वे वहीं पर विद्युत अनुदेशक भी बन गए थे। लेकिन इनका मन किसमें रमा? हिंदी लेखन में, हिंदी काव्य लेखन में इनका मन रमा और इन्होंने अपने जो उनका लेखन के प्रति प्रेम है वो इनके काव्य में हम देख सकते हैं। अब इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इनके मुख्यतः 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे। सबसे पहला कौन सा है? संसद से सड़क तक, जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ। बहुत ही प्रसिद्ध इनका ये काव्य संग्रह है। दूसरा है कल सुनना मुझे, 1976 ईस्वी। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, 1984 ईस्वी। इनकी जो समग्र काव्य है वो 3 खंडों में 2021 में प्रकाशित हुआ। इनके मरणोपरांत 1979 ईस्वी में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। धूमिल की कुछ लोकप्रिय कविताएं हैं जिसमें मोचीराम है, 20 साल बाद है, पटकथा, रोटी और संसद तथा लोहे का स्वाद इनकी मुख्य काव्य या मुख्य इनकी कविताएं हैं। इसके बाद बात करते हैं इनके साहित्य की विशेषताओं की। देखिए, इनका जीवन काल सिर्फ 38 साल का था, लेकिन इस इतने कम समय काल में इनका लेखन का जो तरीका था या इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तत्कालीन व्यवस्थाओं का मुखर ढंग से आलोचना की है और उस पर करारा प्रहार किया है। सबसे पहले देखते हैं मोह भंग की अभिव्यक्ति। किससे मोह भंग हो गया था? जो आधुनिक काल की व्यवस्थाएं थी उससे मोह भंग हो गया था। आज़ादी के बाद का जो समय काल है उसके लिए लोगों ने खूब सपने देखे थे, लेकिन उनके सपने यथार्थ में परिवर्तित नहीं हुए। और उसके बाद जो काव्य रचनाएं की जा रही थी वो केवल कल्पना पर ही तो आधारित थी, इसीलिए इनका मोह भंग इनके काव्य में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, जो हमारी सभ्यता है, सुरुचि है, शालीनता है और हमारी भद्रता, इन सब का इन्होंने विरोध किया है। क्यों विरोध किया है? क्योंकि ये इस प्राचीनता के जंजीरों में स्वयं को जकड़े हुए नहीं रखना चाहते। ये हमारी परंपरानी जो परंपराएं या रूढ़िवादिता है उन जंजीरों को तोड़ने के पक्षधर रहे हैं। उनसे बाहर निकल कुछ नवीन सोचना या कुछ नया सोचना जिससे जीवन को नई दिशा दी जा सके, जीवन की यथार्थ परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सके, यही इनके काव्य का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है आक्रामकता। किसके प्रति? जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, पूंजीपति वर्ग का जो निम्न वर्ग के प्रति जो रवैया है, उन सब के प्रति इनके काव्य में आक्रामकता का स्वर देखा जा सकता है। उसके बाद अकविता आंदोलन के प्रमुख कवि। देखिए, अकविता आंदोलन की अगर बात करें तो जगदीश चतुर्वेदी जो हैं वो इस कविता के प्रवर्तक माने गए हैं। अन्य इसमें प्रमुख कवियों में अगर हम बात करें तो धूमिल का स्थान आता है। इसके साथ साथ राजकमल जो इस काव्य में विशेष भूमिका रखते हैं या इस आंदोलन में विशेष भूमिका रखते हैं, इसके स्थान पर धूमिल को विशेष स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि इनका जो काव्य है वो यौन से जुड़ा हुआ काव्य है। यौन समस्याओं को इन्होंने उठाया है, लेकिन धूमिल ने जो उठाया है वो तत्कालीन व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश का भाव है वो देखा जा सकता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अकविता आंदोलन के प्रमुख कवि के रूप में इन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई है। अकविता से तात्पर्य शायद आप जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते, अकविता का मतलब है जो कविता नहीं है, जिसको लिखा तो कविता की तरह जा रहा है लेकिन मुख्य उद्देश्य कवि का कविता करना नहीं है, बल्कि जो तत्कालीन हमारी समस्याएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो समाज के लिए अनुचित व्यवस्थाएं हैं, उनको स्पष्ट या यथार्थ तौर पर प्रकट करना, यही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है।
उसके बाद अगर भाषा की बात करें तो इन्होंने भाव को महत्व दिया, भाषा को महत्व नहीं दिया। भाषा तो केवल भाव की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। इन्होंने रुमानियत या अतिशय कल्पना और जटिल बिंबधर्मिता से मुक्त भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? भाव, भाव को स्पष्ट करना। और भाव कौन से भाव? वो जो तत्कालीन सत्ता के प्रति इनके मन में उमड़ रहे थे, जो तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव था, जो निम्न वर्ग के प्रति संवेदना का भाव था, ऐसे भावों की अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने भाषा को अपने हिसाब से जैसे इन्हें उचित लगा उसी प्रकार भाषा और भाषा के शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। ये निश्चित है कि आधुनिक काल के कवि हैं तो उस समय की सभी भाषाओं का प्रभाव इनके साहित्य पर भी पड़ा होगा, यानी किसी भी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने में इन्होंने किसी प्रकार का गुरेज नहीं किया, बल्कि अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए जो भाषा इनको अच्छी लगी, जो शब्दावली इनको अच्छी लगी, उसी भाषा के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।